लाइव प्रूफ के साथ आज रील्स वायरल होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रील वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी रील्स वीडियो के अंदर जीरो व्यूज दिखा रहा है 12 hours later। और 12 घंटे बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक व्यूज फॉलोअर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और मेरी वीडियो के अंदर 1700 व्यूज हो चुके हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 2000 हो चुके हैं, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2100 व्यूज हो चुके हैं। हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइस, आज का जो वीडियो है ये आप लोग की डिमांड के ऊपर बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई मेरे को काफी ज्यादा डीएम आ रहे थे, काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी जो रील वीडियो है वो पहले बहुत अच्छी खासी वायरल होती थी, पहले बहुत अच्छे व्यूज आ जाते थे, 10-20 हज़ार व्यूज आ जाते थे, बट अभी के टाइम पे हमारे रील्स वीडियोज के अंदर 50, 100 या 150 व्यूज आ रहे हैं, इससे आगे हमारे व्यूज नहीं जा रहे हैं। और काफी सारे लोग तो मेरे को ये भी बोल रहे थे कि भाई जो हमारे फॉलोअर्स है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा सोल्यूशन बताने वालू कि अगर आपका फॉलोअर्स कम हो रहा है या फिर आपका ज्यादा वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड भाई आप अपने रील्स को भी वायरल इजीली कर सकते हो, जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, सब चीजें मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ यहां पे आपको लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूं किस तरीके से आपको अपने रील वीडियो को वायर करना है। गाइस, आज मैं आपको कुछ आपकी ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनको आप अपने इंस्टाग्राम आईडी के अंदर कर रहे हो, जिसकी वजह से जो आपका रील्स है वो वायरल नहीं हो रहा है। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे हैं गाइस जो ये बोलते हैं कि रील्स वीडियोस के अंदर हैशटैग लगाने से कुछ नहीं होता है और ना ही हैशटैग लगाने से आपका रील्स वायरल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं उनको प्रूफ दिखाता हूं कि भाई हैशटैग लगाने से प्रॉफिट होता है या नहीं होता है और हैशटैग क्या काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे आया, नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो 21,000 व्यूज, 22,000 व्यूज। ठीक है, अभी नीचे साइड चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे भाई 13,000 व्यूज आके रखे हैं और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 8,34,000 व्यूज आके रखे हैं और ये वीडियो 1 मिलियन हिट करेगा। अब ये मैंने ऐसा क्या कर रखा है इसके अंदर वो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज आपको समझना है, सारी चीज आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूं सर्च वाले आइकन पे चलता हूं एंड सर्च वाले आइकन पे चलूंगा और आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि भाई आपको अपनी रील वीडियो के अंदर करना क्या है। यहाँ पे मैं गया सर्च वाले आइकन पे और यूट्यूब जाके मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद सिंपली से करता हूं, देख सकते हो रील्स वीडियोस आपके सामने चलना स्टार्ट हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड यहां पे भाई ये रील वीडियो यहां पे YouTube मैंने सर्च किया तो ये रील वीडियो क्यों आया वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है भाई, मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देखोगे इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर YouTube लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब जो इनका कैप्शन है उसके अंदर इन्होंने YouTube लिखा हुआ है या फिर आप YouTube हैशटैग भी लिख सकते हो। सेकंड वीडियो के अंदर चलता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो हैशटैग YouTube इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैं थर्ड वीडियो के अंदर चलूंगा। ठीक है, ऊपर की साइड स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई यहाँ पे इनकी वीडियो पे चलता हूँ तो इन्होंने भी YouTube हैशटैग लगा रखा है। अब यहाँ पे ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे मेरा वीडियो चलना स्टार्ट हो गया जिसके अंदर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट लगा रखा है। ठीक है, अब भाई काफी सारे लोग बोलते हैं भाई यूट्यूब जो मतलब हैशटैग होता है वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है। भाई यहाँ पे जब मैंने इस वीडियो के अंदर हैशटैग यूट्यूब लगाया उसके बाद ये जो सर्च में चलना स्टार्ट हुआ, मतलब कोई भी जाकर यूट्यूब सर्च करता है तो उसके पास मेरा वीडियो पहुंच जाता है और भाई हैशटैग से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। भाई आपका वीडियो एकदम से तो वायरल नहीं होगा बट धीरे धीरे करके अगर आप हैशटैग लगाते तो आपका धीरे धीरे करके रील वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले 2000 आएंगे, फिर 3000 आएंगे, फिर 5000 आएंगे, फिर 10000 वीडियो आ जाएंगे, इस तरीके से वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। यहां पे देख सकते हो मैं फिर से अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूं, मैं नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करता हूं एंड जिस वीडियो के अंदर 8 लाख व्यूज आए थे वो क्यों आए हैं और इतना ज्यादा वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, 1 मिलियन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे 8,34,000 के अंदर व्यूज है, मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड यहां पे आप देखोगे सबसे पहली बात तो ये मेरा खुद का कंटेंट नहीं है, मैंने डिमिसिंग कर रखा है पहली बात। सेकंड चीज यहां पे देखोगे भाई मैंने यहां पे हैशटैग बहुत सारे लगा रखे हैं YouTube से रिलेटेड, हैशटैग बहुत सारे लगा रखे हैं क्योंकि भाई जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो यूट्यूब रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ थ्रेडो पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अचीवमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा पहला आ रखा है वो कोलैबोरेशन का आ रखा है क्योंकि भाई मैंने रिमिक्सिंग कर रखा है तो रिमिक्सिंग को भी जो इंस्टाग्राम है वो कोलैबोरेशन में ही गिनता है। ठीक है, सेकंड अचीवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम खुद बोलता है कि आपको अपने इंस्टाग्राम के अंदर 1 वीक के अंदर 2 रील्स कम से कम अपलोड करनी ही करनी है तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है। एंड यहाँ पे थर्ड अचीवमेंट आप देख सकते हो इसके अंदर 5 लाख व्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो टारगेट दिया गया है, नेक्स्ट अचीवमेंट आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 1 मिलियन का जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अपनी वीडियो के अंदर हैशटैग लगाओगे तो 100% आपका रील्स वायरल होगा, 100% आपके रील्स के अंदर ज्यादा अच्छा रिस्पांस देखने के लिए आपको मिलेगा। मेरे काफी सारे व्यूअर्स सोचेंगे भाई हम तो यहाँ पे YouTube रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते, हम यहाँ पे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हैशटैग वगैरह लगाने हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली से यहाँ पे आपको करने के सर्च आइकन पे जाना है और जो भी आप टॉपिक पे वीडियो बनाते हो जैसे कॉमेडी वीडियो बनाते हो, फनी वीडियो बनाते हो, लव वीडियो बनाते हो, सिंपली से आपको वहाँ पे जाकर लिख के सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमेडी लिख के सर्च किया एंड यहाँ पे लिखने के बाद आपको सिंपली से करने का टैग वाले पेपर पे आपको चले जाना है। ठीक है, टैग वाले पेपर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे हैशटैग देखने के लिए मिल जाते हैं, इनमें से आपको कोई भी हैशटैग यूज कर लेना है जिसके अंदर लोग ज्यादा रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो पहला हैशटैग है इसके अंदर 5,90,000 ज्यादा रील्स अपलोड हो चुके हैं तो आपको ये वाला हैशटैग यूज करना है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए भाई कॉमेडी में फनी भी आ जाता है, फनी कॉमेडी एक ही बात होता है तो यहाँ पे जैसे अगर मैं फनी लिख के सर्च करता हूँ टैग पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फनी के भी यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग मिल जाते हैं जिनको लोग बहुत तगड़े तरीके से यूज करते हैं। आप देख सकते हो जो फनी हैशटैग है उसको यहाँ पे 238 मिलियन लोगों ने यहाँ पे यूज किया है अपनी पोस्ट और
अपने वीडियोस के अंदर। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी के अंदर ऑन करनी है, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड सेटिंग या प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। काफी सारे लोग मेरे व्यूअर ये बोलते हैं कि भाई आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। भाई अगर मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी और आपका रील्स वायरल नहीं होगा। फिर आप आके मेरे को बोलोगे कमेंट बॉक्स में भाई आपने जो ट्रिक बताया वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको करने का कुछ सेटिंग ऐसी जो मैंने पहले बता रखी है। अगर आपको वो चीजें जाननी है तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हो या फिर आप चैनल पर विजिट करिए और वहां से देख सकते हो। यहाँ पे टैग एंड मेंशन पे मैं चला जाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल ऑफ टैग फॉर एवरीवन, मतलब यहाँ पे आपको हर बंदा टैग कर सकता है। ये चीज आपको कर देना है। नीचे साइड मिलता है यहाँ पे ऑल ऑफ मेंशन फॉर एवरीवन, आपको हर बंदा अपने इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन कर सकता है, अपने रील वीडियो के अंदर मेंशन कर सकता है। ये भी आपको यहाँ पे नंबर वन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब एवरीवन पे आपको कर देना है। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा वो चीजें मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। काफी सारे लोग ये बोलते थे कि भाई आपने काफी सारे वीडियोज के अंदर ये बोला हुआ है कि भाई अपने वीडियो के अंदर 10 लोग को टैग करिए, उससे प्रॉफिट क्या होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट क्या होता है। बेटे सबसे पहले इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, उसके बाद बैक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट होता क्या। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड यहाँ पे आप देखते हो मैं अपने अकाउंट पे आया फिर से और यहाँ पे नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, नीचे साइड स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर 22,000 आसपास व्यूज है। इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली से आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने इस वीडियो के अंदर 12 लोग को टैग कर रखा है। अब इसे प्रॉफिट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो मैंने 12 लोग को टैग कर रखा है एंड भाई ये जितने भी क्रिएटर हैं यहाँ पे ये सब यहाँ पे इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम के अंदर ही। ठीक है, तो अगर मैं इनको यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली से मैं यूनिक रोहित पे चला जाता हूँ। भाई इसके बंदे के देख सकते हो 119,000 फॉलोअर्स है और इनका जो पोस्ट है वो सिर्फ 59 पोस्ट में 100,000 से ज्यादा इन्होंने फॉलोअर्स कर लिए हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जो इनका कंटेंट है वो दम है उसमें। और सेकंड चीज, जो इनका यहाँ पे बिल्कुल सारा का सारा ऑडियंस है वो यहाँ पे टेक्निकल रिलेटेड वाला है, मतलब जो ऑडियंस मेरे को चाहिए वही इनका ऑडियंस है, इसीलिए मैंने इनको टैग कर रखा है। अगर मैं इनके टैग पीपल वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई यहाँ पे मेरा वीडियो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इनकी प्रोफाइल पे मेरा वीडियो हो रहा है, मतलब 119,000 जो फॉलोअर्स हैं उनके सामने मेरा वीडियो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वीडियो होगा, नीचे चलता हूँ तो ये भी मेरा वीडियो हो गया है। ठीक है, मतलब इनके प्रोफाइल पे मेरा वीडियो हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट हो गई होगा। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी भाई यहाँ पे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इनके टैग वाले टैग पीपल वाले ऑप्शन पे मेरी बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जो यहाँ पे शो रही है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर इनको टैग करता हूँ, क्योंकि भाई इनका कंटेंट और मेरा कंटेंट एकदम सेम है। और इनके प्रोफाइल पे अगर कोई बंदा विजिट करता है मेरी रील्स वीडियोस का भी आराम से देख सकता है। तो यही चीजें आपको करनी है जब भी आप अपने रील्स को अपलोड करते हो, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 लोग को टैग करना है जिसके भाई तगड़े व्यूज आते हैं, तगड़े फॉलोअर्स हैं और मतलब कम टाइम में ज्यादा ग्रो हो रहे हो, ऐसे लोग को आपको टैग करना है। ठीक है, बट अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी वालों को टैग करिए, फनी बनाते हो तो फनी वालों को टैग करिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैं आप आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस काफी सारे मेरे व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे रील वीडियो को अपलोड करते हैं बट यहाँ पे वायरल नहीं होता, हम यहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो भाई एक गलती होता है कि आपको जो क्वालिटी वगैरह है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अब उसके लिए आपको करने क्या है और कुछ सेटिंग में आपको और बता देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपली से मैं करता हूँ यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, अपने प्रोफाइल पे आया, उसके बाद मेरे को करने क्या है सिंपली से थ्री डॉट पे क्लिक करना, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे चले जाना है। ठीक है, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है और नीचे साइड आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा यूजिंग एंड मीडिया क्वालिटी का एक ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपलोडेड हाई क्वालिटी अगर आपको ऑफ है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। भाई काफी सारे लोग का ऑफ है, मैंने अपने आप भी देखा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी मंगाया, तो यहाँ पे काफी सारे लोग ऑफ रखते हैं। तो भाई आप इसको ऑन करके देखिए, इससे अगर आप ऑन करते हो तो आपका जो रील्स का क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा जब आप उसको अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे शेयर एंड रिमिक्सिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप काफी सारे लोग बोलेंगे भाई ये वीडियो तो आप सॉरी ये जो फीचर है सेटिंग है तो आप बार बार बताते हो, भाई इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो रील्स में आप मुझे लगता है ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखते हो भाई जो रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक है वो यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है, बट यहाँ पे नीचे साइड जो एक लाइन है इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑल ऑफ योर रील्स टू बी रिकमेंडेड विदाउट फेसबुक प्रोफाइल, इस पर ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आपको जो रील्स है वो बिना फेसबुक प्रोफाइल के फेसबुक में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है वो मैं बताता हूँ। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई ये वाला वीडियो आ गया, ठीक है वो वाला हटा दे, मैंने वाला वीडियो देख सकते हो 176,000 से ज्यादा इसके अंदर लाइक है। अगर मैं इसके लाइक वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, लाइक वाले सेक्शन में मैंने क्लिक किया, तो सिंपल से आप देखोगे भाई ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई ये इंस्टाग्राम पे तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे फेसबुक के अंदर भी रन कर रहा है, जिसे यहाँ पे देख सकते हो 37.3K से ज्यादा व्यूज इसके अंदर आए हैं। और भाई अगर आपका इंस्टाग्राम से भी आता है व्यूज, फेसबुक से भी आता है, तो जो आपका व्यूज है वो यहाँ पे काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई मैंने एक चीज देखा है कि अगर आपकी वीडियोज के अंदर 10, 20, 50, 100 व्यूज आते हैं तो भाई आप अगर ये चीजें करते हो, मतलब रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक ऑन करते हो और यहाँ पे जो ऑल ऑफ रिस्टोबी रिकमेंडेड विदाउट फेसबुक प्रोफाइल अगर आप कर देते हो, तो सिंपल से जो आपका रील्स है
वो भाई इंस्टाग्राम से ज़्यादा फेसबुक में चलना स्टार्ट होगा। और भाई मैं एक चीज़ का गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपकी रील्स के अंदर 150-150 व्यूज़ आ रहे हैं तो वो यहाँ पे इंक्रीज़ होकर यहाँ पे 2,000-3,000-5,000 तक चले जाएंगे। एंड आप बात कर लेते हैं उन लोग के बारे में जो काफ़ी सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई हमारा यहाँ पे जो रील्स है वो पहले बहुत अच्छा खासा वायरल होता था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, बट अभी के टाइम पर हमारा जो व्यूज़ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब एकदम टाटा वाई वाई हो चुका है। ठीक है, अब कम अगर व्यूज़ आपको हो चुका है और आपके जो फॉलोअर्स है वो भी यहाँ पे डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो अब आपको करना क्या है, क्या चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वो चीज़ बताते थे। ठीक है, बट ये जो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ उन लोग के लिए काम करेगी जिनका पहले व्यूज आता था और अभी व्यूज नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ उनके लिए काम करेगा। अगर आप अपने रील्स वीडियोस को नए अकाउंट पे वायरल करना चाहते हो, नए अकाउंट पे ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको लगाना है। अभी आगे भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वो भी आपको समझनी पड़ेगी, बट आप इस तरीके को भी जान लीजिए क्योंकि भाई आने वाले टाइम पे आपको कोई वीडियो वायरल होगा उसके बाद अगर वीडियो वायरल होना बंद हो जाता है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मैंने क्लिक किया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखते हो लास्ट 30 डेज का दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका सिंपली से लास्ट 90 डेज कर देता हूँ। लास्ट 90 डेज किया, उसके बाद यहाँ पे करने का है लास्ट 90 डेज करने के बाद नीचे साइड स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे भाई मेरी इस वीडियो के अंदर देख सकते हो 25 जुलाई को मैंने इसको अपलोड किया था, इसके अंदर 7,65,000 से ज़्यादा व्यूज़ दिखा रहा है। ठीक है, 7,65,000 से ज़्यादा व्यूज़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा वीडियो है ये यहाँ पे YouTube रिलेटेड वीडियो है, उसके बाद मैंने जितना भी YouTube रिलेटेड वीडियो बनाया वो यहाँ पे सारा का सारा वायरल हो रहा है। और भाई मैं अभी भी अगर कोई YouTube रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो उसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा वीडियो आपको वायरल हुआ था। मान लीजिए काफी सारे लोग लिपसिंग वीडियो बनाते हैं और उनका कोई वीडियो वायरल होता है उसके बाद वीडियो पे व्यूज आने बंद हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है जो वायरल हुआ था वो किस टॉपिक पे था। भाई काफी सारे लोग दोस्ती के ऊपर वीडियो बनाते हैं उनका वायरल हो जाता है, काफी सारे लोग लव वीडियो बनाते हैं उनका वायरल हो जाता है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं सैड वाला वो वायरल हो जाता है। ठीक है, काफी सारे लोग एटीट्यूड वीडियो बनाते हैं उनका वो वायरल हो जाता है। तो जो भी जिस भी तरीके का आपका वीडियो वायरल हुआ है उसी तरीके का आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम जो आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, उन्हीं के पास फिर से आपका वीडियो भेजता है। तो अगर आप जो वीडियो आपको ज्यादा वायरल हुआ है अगर आप उसके तरीके का वीडियो बनाओगे तो आपके रील्स वगैरह ज्यादा होगी, क्योंकि भाई वो उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो आपका वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। और गाइस जो लोग लिपसिंग वीडियो बनाते हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका एकदम न्यू अकाउंट है तो आप किस तरीके से अपने रील्स को वायरल कर सकते हो, उसके लिए मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली से यहाँ पे करता क्यों, यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है शिवम रजनी सेटिंग वाला सेकंड अकाउंट है मेरा, उसके अंदर अभी तो मैंने काम करना बंद कर रखा है, बट जैसे मैं इसके अंदर काम करना स्टार्ट करूंगा तो ये भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है किस तरीके से काम करके ग्रो करना है, बट अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं कुछ और चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा उन चीजों के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आप देखते हो भाई इसके अंदर 2,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। अगर आप अपने रील्स को वायरल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ऑडियो फाइंड आउट करना आना चाहिए। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो बनाओ रील वीडियो वायरल हो जाएगा, बट मैं आपको बोलता हूँ भाई ट्रेंडिंग साउंड पे आपको वीडियो नहीं बनाना है। अगर बनाते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बट आप ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो नहीं बनाओगे तब भी आपको वायरल होगा कैसे वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखते हो भैया जो साउंड है ये ट्रेंडिंग है। ठीक है, रील वाले सेक्शन पे मैं आया हूँ और ये जो साउंड है ट्रेंडिंग है। अगर मैं इसके ऑडियो सेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इसके अंदर 3200 से ज्यादा रील्स बन चुकी है। ठीक है, 3000 से ज्यादा इसके अंदर रील्स बन चुकी है और भाई ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो हर वीडियो के अंदर अच्छा खासा व्यूज आया हुआ है। मतलब भाई ये जो साउंड है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने साउंड को सुन लिया है। और सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर मैं आपको एक ही मूवी को 4-5 बार दिखाऊँ ना तो आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। सेम चीज होता है कि अगर आप एक ही रील वीडियो का साउंड जो है एक ही साउंड को आप बार बार सुनाओगे तो लोग उसे परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करना है। अब करना क्या है चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हो भाई मैं सेकंड रील के अंदर आया, इसके ऑडियो पर चलता हूँ तो यहाँ पे देखो भाई इसके अंदर 8,000 से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं। तो आपको करना क्या है भाई, आप देख सकते हो वीरू स्टार ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम आईडी है जिनका ये वॉइस है, जिनका ये ओरिजिनल ऑडियो है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे आप देखोगे भाई इंस्टाग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता है जो धीरे धीरे करके ट्रेंड करता रहता है, मतलब जो उसका वॉइस है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वीरू है वीरू स्टार ऑफिशियल करके इनका इंस्टाग्राम आईडी है, एंड भाई इनका भी साउंड ऐसा है कि इनका हर दूसरा तीसरा साउंड यहाँ पे ट्रेंडिंग में चलता है और वायरल होता है। तो आपको सिंपली से करने का है जैसे ये कोई साउंड अपना नया लाते हैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनानी है, बट हाँ वो साउंड आपको भी पसंद आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई हाँ ये जो इन्होंने लाइन बोला इसमें दम है और एकदम नया शायरी है एकदम। तो आपको सिंपली से करने का है उस शायरी पर वीडियो बना देना है ट्रेंडिंग आने से पहले ही, भाई वो ट्रेंडिंग पे तो चला जाएगा क्योंकि इनका जो ऑडियो है वो ट्रेंडिंग पे जाता ही जाता है। तो अगर आप ट्रेंडिंग में जाने से पहले ही अपना रील वीडियोस के अंदर क्रिएट कर दोगे तो आपके रील्स वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो इस जो ऑडियो है इसके अंदर 30 वीडियो बनी हुई है, तो अगर मैं अपना इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है मेरा वीडियो वायरल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी इनके अंदर वीडियो बनाए उनका क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं है, बट मैं अगर अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरा ज्यादा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो यही चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको सिंपली से उन क्रिएटर को पकड़ना है जिनका जो ऑडियो है जिनका ओरिजिनल ऑडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल होता है। आपको पता है कि भाई यहाँ ये चलेगा जैसे मोनिसा राजा हो गए, इनका भी भाई कोई ना कोई साउंड बहुत तगड़ा चलता है भाई, मतलब आप वीडियो डालोगे उसके ऊपर बना के 5,00,000-6,00,000-10,00,000 व्यूज इजीली आ जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कैसे अगर आपके रील्स पे 150 व्यूज आ रहे हैं और व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है और कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है, जिससे मतलब आप एक तो होता है पैसे देके बूस्ट करना और एक होता है फ्री में बूस्ट करना। ठीक है, तो मैं आपको भाई फ्री वाली चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसा होता तो आप अभी तक बूस्ट कर चुके होते। ठीक है, मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको बिना पैसे के ग्रो करना है, तो आपको करने का सिंपली से मान
लीजिए कोई भी आपने रील अपलोड किया उस पर आपको शेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड टू स्टोरी पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे डेटा चालू छोड़ के चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, स्किप मत करिए भाई। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो 100% आपके काम आएंगे, 100% आपका प्रॉफिट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टोरी पे गया, अब यहाँ पे जो मेरा वीडियो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपके फ्रेंड हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो भाई चाहते हैं कि आप ग्रो करो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका मतलब इंस्टाग्राम आईडी है, जिन्होंने स्टार्ट किया है और उनका धीरे धीरे करके रील वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग को सिंपली से करने का है, जिनका 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 60,000 फॉलोअर्स हैं उनको आपको अपनी रील वीडियो के अंदर टैग करना है, ठीक है। जितने लोग को आप टैग कर सकते हो, 10, 12, 15, 20, जितने लोग को आप टैग कर सकते हो टैग कर दीजिए अपनी वीडियो के अंदर। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए भाई मैं किसी को टैग करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने 20 लोग को टैग करा और उन 20 लोग में से अगर 5 लोग भी उस वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगा देते हैं और उन 5ों की स्टोरी पर, ठीक है, उन 5ों की स्टोरी पे 100-100 व्यूज भी आ रहा है तो मेरी रील वीडियो के अंदर 500 व्यूज आ जाएगा। और मान लीजिए भाई कोई बंदा ऐसा है जिसको मेरे रील्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो वो वहीं से डायरेक्टली मेरे को फॉलो भी कर सकता है, ठीक है। बट आप ऐसे लोगों को ही फॉलो करना, सॉरी ऐसे लोग को ही मैंशन करना जो आपकी स्टोरी इजिली लगा सके, जिससे भाई आपको प्रॉफिट हो सके, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लगा दीजिए, मतलब जितना ज़्यादा आप टैग कर सकते हो टैग कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं रील्स वीडियोज़ को अपलोड करने का सही तरीका, वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली से मान लीजिए आपको कोई भी रील अपलोड करना है, सबसे पहले आपको कैप्शन इस तरीके से लिखना है जिससे कि जो भाई व्यूअर है जो आपकी वीडियो को देख रहा है वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करे, क्योंकि भाई प्रोफाइल विजिट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रील्स वीडियोस को वायरल करने के लिए, ठीक है। चेक माय स्टोरी मैंने लिख दिया, उसके बाद आपको टैग पेपर पे जाना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने वीडियो के अंदर 10 लोग को टैग करना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, वो आप कर लीजिए, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, काफी सारे लोग बोलते हैं हमारा व्यूज डाउन हो रहा है, हमारा फॉलोअर्स कम हो रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि टैग करने से प्रॉफिट क्या होता है, वो चीज मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहां पे देख सकते हो ऑल्सो शेयर टू फीड का एक ऑप्शन है, इसको भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको ऑफ करके रखिए। भाई काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके 100-150 फॉलोअर्स हैं और वो इसको ऑन करके रखते हैं, भाई उनके जो दोस्त हैं वो वीडियो को देखेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है, बट वो पूरे वीडियो को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से ऑडियंस रिटेंशन बिगड़ेगा और रील्स आपका वायरल नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। भाई काफी सारे लोग बोलते थे भाई क्या फालतू की बकवास करते रहते हो कि लाइक कमेंट जब बंदे ने कर दिया तो वीडियो तो वायरल हो जाना चाहिए, बट मैं अभी आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऑडियंस रिटेंशन बिगड़ेगा और आपका रील्स वायरल नहीं होगा, वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट जब भी आप अपनी रील्स को अपलोड करो इसको बंद करके करो, भाई हो सकता है आपकी 10-20 वीडियो के अंदर व्यूज कम आए बट धीरे धीरे करके आपका व्यूज आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करने के रिकमेंडेशन आपका फेसबुक ऑन का ऑन ही रहता है, अंदर से मैंने ऑन करा दिया। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है, अपलोडेड हाई क्वालिटी भी आपको ऑन कर देना है एंड अब लास्ट जो यहाँ पे प्रोसेस है वो है अपलोडिंग का, भाई किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे मेरे व्यूअर ऐसे हैं जिनके मन में रहता है कि अपलोड किस टाइम पे करना चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं पहले अपनी वीडियो को 6-7 बजे अपलोड कर देता था शाम में, बट यहाँ पे मेरी वीडियो के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को देखने के लिए नहीं मिल रहा था। बट जब मुझे किसी ने बताया कि भाई आप अपने रील वीडियो को 10 बजे अपलोड करना स्टार्ट करिए, रात के 10 बजे अपलोड करना स्टार्ट करिए, जब से मैंने अपने रील वीडियो को 10 बजे अपलोड करना स्टार्ट करा भाई मेरी वीडियो के अंदर बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे 5-6 दिन बाद मेरा वीडियो अच्छे तरीके से वायरल हो जाता है, 10K 20K व्यूज इजिली क्रॉस कर जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे लोग ये भी बोलते थे कि भाई हमारी वीडियो के अंदर 100 व्यूज आया और 100 में से 20 लाइक आया बट हमारा रील्स वायरल नहीं हुआ। अब वायरल क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपली से यहाँ पे मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे व्यू इनसाइड पे मैं चला जाता हूँ। व्यू इनसाइड पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो भाई इसका जो ड्यूरेशन है मतलब जो लेंथ है वीडियो का वो यहाँ पे 15 सेकंड है, ठीक है, लेंथ इसका 15 सेकंड है। बट अगर मैं यहाँ पे वॉच टाइम की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो एवरेज वॉच टाइम यहाँ पे 12 सेकंड है, मतलब यहाँ पे एक बंदा 12 सेकंड इसको वॉच कर रहा है ना, बट यहाँ पे फिर भी वायरल नहीं हुआ, मतलब जो इसका ऑडियंस रिटेंशन है, ऑडियंस एवरेज वॉच टाइम है वो यहाँ पे 80% गया हुआ है, ठीक है। और अगर आपके रील्स का जो एवरेज वॉच टाइम है वो यहाँ पे 50% से ऊपर जाता है तो आपका रील्स वाले के चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट उसके बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, आपकी रील्स को जब तक बंदा सेव और शेयर नहीं करेगा, अभी के टाइम पे जो एल्गोरिथम काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर आपकी वीडियो को जब तक लोग शेयर और सेव नहीं करेंगे जब तक आपका रील्स वायरल नहीं होगा। आप चाहे 1 लाख 1.5 लाख कितना भी व्यूज ले लीजिए, कितना भी लाइक आप ले लीजिए, जब तक लोग उसको शेयर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, जब तक वायरल नहीं होगा। अभी का एल्गोरिथम इसी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अभी इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको अपने रील्स वायरल करवाना है तो आपके रील्स के अंदर लाइक भी आना चाहिए, शेयर भी आना चाहिए, सेव भी आना चाहिए, साथ ही साथ कमेंट आए या नहीं आए इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा रहना चाहिए। ये मैं चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जितना अपनी ऑडियो का लेंथ कम रखोगे, अपनी वीडियो का जितना लेंथ आप कम रखोगे उतना ज्यादा आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये चीजें भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पेजेस को ग्रो करता हूं, ठीक है, मतलब यहां पे 10 से ज्यादा पेज को मैं रन कर रहा हूं और अच्छे तरीके से उनको जनरेट कर रहा हूं, मतलब इंक्रीज कर रहा हूं उनका व्यूज फॉलोअर सब चीजें इंक्रीज कर रहा हूं, ग्रो कर पा रहा हूं और अच्छी तरीके से उनसे अर्निंग कर रहा हूं, ठीक है। महीने का 30-40 हज़ार रुपए उन अकाउंट से मैं अर्निंग कर लेता हूं। मैं इसीलिए आपको चीजें बता रहा हूं, जो चीजें मैं यूज करता हूं वही चीजें मैं आपको आगे बताता हूं। एंड गाइस आई होप सो आज के वीडियो को काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।